डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय और कौन से बड़े परिवर्तन आते हैं, ये हम आज बताएंगे। जैसे रिपोर्टेड स्पीच में नाउ हो तो देन में बदल जाएगा, टी एच ई एन। जस्ट हो तब भी देन में बदल जाएगा, दिस डैश में बदल जाएगा, दीज दोज में बदल जाएगा, हेयर देयर में बदल जाएगा, हैंस देंस में बदल जाएगा, दस सो में बदल जाएगा, एगो बिफोर में बदल जाएगा, टुडे दैट डे में बदलेगा, यस्टरडे द प्रीवियस डे में बदलेगा, टुमारो द नेक्स्ट डे में बदलेगा, लास्ट नाइट द प्रीवियस नाइट में बदलेगा, कैन कुड में बदलेगा, मे माइट में बदलेगा, विल वुड में बदलेगा, शैल शुड में बदलेगा, लेकिन बदले हुए कर्ता के अनुसार। यदि रिपोर्टेड स्पीच में कर्ता बदलता है, यानी इनडायरेक्ट बनाने के बाद यदि कर्ता होता है आई या वी, तो उसके साथ पास्ट टेंस में शैल शुड में लगेगा और शेष सभी के साथ वुड आएगा, क्योंकि विल का पास्ट टेंस वुड है, शैल का पास्ट टेंस शुड है। लेकिन एक बात ध्यान रखने की है कि कुड और माइट जब ये बदल जाते हैं तो, और ये ऑलरेडी हो रिपोर्टेड स्पीच में, तो इनमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। कुड में और माइट में कोई परिवर्तन नहीं आएगा बदलने, अगर पहले से ही ये लगे हुए हो। इसके बाद हम सेंटेंस को देखते हैं और पहले इसको परिवर्तन को देखें। सैड टोल्ड में बदल जाएगा, कब? जबकि ऑब्जेक्ट लगा हुआ हो, जैसे ये नी लगा हुआ है, इसमें नी लगा हुआ है और नी से पहले टू आएगा, तो ये टू हटेगा और क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है। अब यदि ये इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो सैड टोल्ड में बदलेगा, टू हट जाएगा और मी वैसा ही रहेगा। और इन्वर्टेड कॉमास जब बिगिन करते हैं तो इसको, इस बिगिन वाले को हटा देंगे, यानी इस कॉमा को भी हटा देंगे और इन्वर्टेड कॉमास को भी शुरू के हटा देंगे। हटेगा तो ये भी, इसकी जगह ये जो फुल स्टॉप लगा हुआ है ये यहीं लगा रहेगा, यहाँ पर डेट लग जाएगा। सेंटेंस को देखें, ही वैसा ही रहा, सैड टोल्ड में बदल गया, टू जब ऑब्जेक्ट लगा हुआ है तभी ऐसा होगा, टोल्ड में बदलेगा, वैसे नहीं बदलेगा। टू हट जाएगा, मी वैसा ही रहेगा, ही टोल्ड मी, इसके स्थान पर दैट आ जाएगा। अब जो बदलेगा वो ये पास्ट, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो पास्ट इंडेफिनिट में बदलेगा, ही लव्ड हिज मदर, ये माई था तो माई कर्ता के अनुसार बदलेगा, माई कर्ता के अनुसार बदलेगा, इसीलिए किस कर्ता के साथ? रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता के साथ, कर्ता के अनुसार। ही लव्ड हिज मदर, ये सेंटेंस ऐसे बनेगा। अब परिवर्तन कैसे होते हैं टेंस में ये देखिए। यदि रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो पास्ट इंडेफिनिट में बदलेगा, यदि प्रेजेंट कंटीन्यूअस में है तो पास्ट कंटीन्यूअस में बदलेगा, यदि प्रेजेंट परफेक्ट में रिपोर्टेड स्पीच है तो पास्ट परफेक्ट में बदलेगा, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में है तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बदलेगा, यदि रिपोर्टेड स्पीच पास्ट इंडेफिनिट में है तो ये पास्ट परफेक्ट में बदलेगी, और यदि पास्ट कंटीन्यूअस में है तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बदलेगी। ये परिवर्तन रिपोर्टेड स्पीच में होंगे। यदि फ्यूचर वाला है तो विल और शैल का प्रयोग होता है, तो विल वुड में बदलेगा, शैल शुड में बदलेगा, लेकिन बदले हुए कर्ता के अनुसार। ऐसे ही नहीं, बदले हुए कर्ता के अनुसार ऐसा होगा। थैंक यू वेरी मच।